सर नॉर्थ कश्मीर के खत्ते में दहशतगर्दी का जो माहौल था वो लगभग ख़त्म हो चुका है। जहाँ पर आवाम की ज़रूरतों के हिसाब से उसके मद्देनज़र जहाँ पर तरक्याती काम तेज़ी से चल रहे हैं, सिक्योरिटी की सुरक्षा से क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, उनका टाइम टू टाइम रिव्यू लिया जाता है। और पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुलिस के लिए नहायत ज़रूरी है, इसके बढ़ते हुए कद और बढ़ते हुए साइज़ के हिसाब से उनको एडिशन, रिपेयर, रेनोवेशन, उस तरह के काम जो हैं वो होते रहते हैं। आज के इस विज़िट में मीरगुंड से शुरू करके मीरगुंड चौकी नई तमीर करी, कुछ रिपेयर रेनोवेशन हुई, उसकी इनॉगरेशन हुई। उसके बाद रास्ते में SSB और जवानों के साथ पट्टन में दरबार हुआ, जहां पर GIC रेनोवेट हुई। उसके अलावा कुछ नाके नए तमीर हुए, जवानों के खाने की जगह, डाइनिंग हॉल, रिक्रिएशन की जगह, रहने की जगह, चाय पानी की जगह और ऑपरेशंस करने की जगह, वो सब रेनोवेट हुई। कुछ जगह पे नए एडिशन हुए, उन सबको इनॉगरेट किया गया। और साथ ही साथ ये पूरी रेंज के ऑफिसर्स इस वक्त हाजिर हैं। बाकी जिलों की सुरक्षा की क्या इस वक्त सूरत हाल है, उसका भी जायजा लिया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास किस तरह के हालात हैं, उसका भी जायजा लिया जाएगा। और डिप्टी कमिश्नर बारामूला हमारे साथ हैं, इनके तावन से जो जहां पर कुछ काम ऐसे हो रहे हैं। आज हमने हमारे शहीद साथी बिंदास के नाम पे बिंदास चौक का भी इनॉगरेशन किया। आप जानते हैं वो शहीद साथी जिसने दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी, वो शहीद साथी जिसके परिवार वालों के लिए हमदर्दी पेश करने के लिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर खुद उड़ी के पहाड़ी के मकाम में उनके घर पर गए और परिवार के साथ ताजियत की। तो इन सब चीज़ों को देखने करने का जो आज मौका मिला है, और कुछ चीज़ें अभी थोड़ी देर के बाद सिक्योरिटी के नज़रिए से और रिव्यू में आएंगी, उसके बारे में चर्चा होगा। सर मुदस्सिर कश्मीर फाइट ब्लॉक बेसिकली जो सर्कस में मौत के कुएं का खेल होता है, उस खेल को चलाने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन से चलता है। वो मौत का खेल जो ISI के इशारों पे कश्मीर के लोगों ने लगभग 30 साल से ज़्यादा वक्त देखा है, वो दरिंदे जो वहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के जम्मू कश्मीर के लोगों की शांति, अमन, खुशी, खुशहाली नहीं देख सकते हैं, ये उनका ब्लॉग है। ये उनका ब्लॉग है जो जहाँ पर हंसते खेलते चेहरों को देख नहीं सकते, जिनको मौत का मातम पसंद है, ये उनका ब्लॉग है। इसीलिए वो जब भी कोई अच्छी बात यहाँ पर होती है, आज अगर 4 साल से पिछले से कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही, उनके पेट में दर्द है। आज अगर मीडिया वाले आप लोग पाकिस्तान की दी हुई आवाज़ को आगे बुलंद नहीं करते, जहां वो बातम और मौत की और बर्बादी की बात करते हैं, तो आप भी उनके दुश्मन हो गए हो। इसलिए अब मीडिया को भी मिलकर फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान की ISI और उससे चलाने वाले जो मौत का प्रकोप है, उस तरह के कश्मीर ब्लॉक की आवाज़ को आगे लेके जाना है, या कश्मीर के अवाम की आवाज़ को आगे लेके जाना है। आज कश्मीर के अवाम को अमन, शांति पसंद है, तरक्की के काम और तरक्की के कामों में हिस्सेदारी पसंद है, और कश्मीर ब्लॉक चलाने वाले लोगों को ये सब कुछ पसंद नहीं है।
इसलिए इस तरह की नकलो हरकत कभी एक सेक्शन, कभी पुलिस को धमकी, कभी मीडिया को धमकी, कभी लोगों को धमकी, कभी जो लोग लोगों की नुमाइंदगी करते चुन के आए हैं, लोगों के काम करना चाहते हैं उनको धमकी, ये सारा सिलसिला जो है खास नीयत से, रादर बद नीयत से जो है वो उसको आगे चलाया जा रहा है। ये ना सिर्फ निंदा के लायक है बल्कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। पुलिस ने पहले ही इसमें केस रजिस्टर किया है, इससे पहले भी हम इस तरह के नरेटिव जो चलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं और इसके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, पत्रकार भाइयों को भी अपना स्टैंड अपनी सोच के मुताबिक लेने की जरूरत है, उनको भी किस तरह के खौफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज अगर सच को सच नहीं कहेंगे और इन झूठ के व्यापारियों को, झूठ के सौदागरों को, मौत के सौदागरों को अगर आज भी अपनी आवाज बुलंद करने का मौका हम अपने चैनल्स के जरिए देंगे तो हम कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी करेंगे, अपने लोगों के साथ नाइंसाफी करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि इस तरह की जो भी नकलो हरकत है, न सिर्फ उसके ऊपर सख्त नजर रखी जा रही है, सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सुबह की खबर है, बांडीपुर के एसपी जहां पर मौजूद हैं और वहां पर ये कार्रवाई बराबर, जो लोग मिलिटेंसी के साथ किसी भी तरह से वाबस्ता हैं वो हर रोज कार्रवाई चल रही है। इसमें ज्यादा डिटेल तो अभी शेयर नहीं हो सकेगी क्योंकि अभी उनको गिरफ्तार किया है, उनकी पूछताछ जारी है, मगर दो लोग जो दहशतगर्दी में शामिल उनको पकड़ा गया है, इसके बारे में हम लोग इतनी इसकी जो है वो कंफर्मेशन करते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ मिलिटेंसी अक्रॉस कश्मीर राइट नाउ, हाउ मेनी टेररिस्ट आर एक्टिव? देखिए इस वक्त टेररिज्म लोगों की, आवाम की कोऑपरेशन के चलते बहुत हद तक कंट्रोल में है। आज दहशतगर्दों का नंबर जो है वो लगभग 2 डिजिट के अंदर पहुंच गया है जो जहां के लोकल हैं, और बहुत ज़्यादा कम नंबर हो चुका है जो फॉरेन टेररिस्ट यहां पर आकर के कश्मीर को तबाह और बर्बाद करने में लगे थे, उनका भी ये कार्रवाई जारी है। और मुझे उम्मीद है कि जो अमन का सिलसिला है वो और पुख्ता होगा और दहशतगर्दी को और ज्यादा समाप्त करने में हम लोग कामयाब होंगे। सर, हाइब्रिड एक बड़ी चुनौती है, उस चीज को काउंटर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हाइब्रिड वाकया में एक बड़ी चुनौती है क्योंकि जो आदमी रूटीन में काम इंसान की तरह, स्टूडेंट की तरह काम करता है और पाकिस्तान से भेजे संदेश के मुताबिक पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर शाम को या तो ग्रेनेड उठाता है या पिस्तौल उठाता है और किसी बेगुनाह का कत्ल करता है। हाल ही में इस तरह की कार्रवाइयां हुई जब छोटी उम्र के बच्चे जिनको वर्गलाया गया है, जिनको बार बार इस तरफ धकेला जा रहा है दहशतगर्दी की तरफ, उनको पाकिस्तान से उनके हैंडलर जो हैं वो कोई टारगेट देते हैं, टारगेट देने के लिए, टारगेट एग्जीक्यूट करने के लिए वेपन देते हैं या ग्रेनेड देते हैं और उस दहशतगर्दी की कार्रवाई के साथ वो मिलिटेंसी की सफ़ों में तो शामिल हो जाता है मगर जब तक पकड़ा नहीं जाता या जब तक आइडेंटिफाई नहीं होता तब तक वो आम तरह की शहरी की तरह रहता है। मुझे खुशी इस बात की कि इस साल के दौरान 100 से ज़्यादा ऐसे मॉड्यूल जो हाइब्रिड टेररिज्म के खाते में आते हैं उनको न सिर्फ निकाला गया बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। अभी भी ये कार्रवाई जारी है और मुझे लगता है कि चुनौती जरूर है मगर इस चुनौती का बहुत अच्छे से मुकाबला किया जा रहा है। सर, एक ट्वीट आया था महबूब मुफ्ती का रिसेंटली जो साउथ कश्मीर में इनकाउंटर हुआ, उस पर क्या डिटेल्स है सर? देखिए कुछ लोगों की हताशा है कि उनको कहने को कुछ जरूर चाहिए और कहने को भी कुछ ऐसा चाहिए जो खामखा में लोगों को मिसलीड कर सके और फोर्सेज के या किसी बाकी जो एजेंसी जो गवर्नमेंट के साथ काम करती हैं उनके खिलाफ हो। इस तरह की बातें बीच बीच में होती हैं जो बिल्कुल कंडम करने के लायक हैं और अगर कोई ऐसी कार्रवाई है तो उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर सही कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया सर। थैंक यू।